दोस्त, आज फिर आपका स्वागत है CS3 फोटोशॉप के बारे में, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ फोटोशॉप के पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाएं। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप CS3, डबल क्लिक करें भी और एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लें स्टूडियो वाला। सबसे पहले तो इसका साइज़ दें, साइज़ कौन सा रहेगा, मैजिक टूल पे जाइएगा और क्लिक कीजिएगा, जो बच गया वहाँ पे शिफ्ट बटन क्लिक करके चलाना है उसको। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल अल्ट्रा डी के साथ फेदर दें 1.5 और मैजिक इरेजर टूल को क्लिक करें और डिलीट बटन पे क्लिक कर दें। अब इसके लिए बैकग्राउंड चूज़ करते हैं, डबल क्लिक कीजिएगा जहाँ पे आपका बैकग्राउंड है, ओपन कर लीजिए। इसको उठा करके यहाँ डाल दें बैकग्राउंड पे। जैसी आपको अच्छा लगे वैसी कर सकते हैं। जो बच गया है थोड़ा थोड़ा सा उसको ऐसे डिलीट कर लें। इसको अल्ट्रा के साथ कॉपी कर लें और इरेजर टूल है उस पर क्लिक कीजिएगा और चला दीजिए इस पर फोटो पे। अब इसको बड़ा कर दीजिए और राइट साइड जो बटन दिया है 1 से 9 उस पर क्लिक कीजिएगा, जितना आपको अच्छा लगे। आप इसको पैटर्न कर दीजिएगा, लेयर पे जा करके पैटर्न दिया, पैटर्न इमेज, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट और इसको शिफ्ट अल्टा के साथ छोटा कर दीजिए, इंटर कीजिएगा, राइट क्लिक करके बैकग्राउंड चूज कीजिएगा और फिल्टर पे जाकर इसको ब्लर दे दीजिए। कंट्रोल के साथ थोड़ा लाइट दें, फर्स्ट वाला लेयर क्लिक करें, राइट क्लिक लेयर और लेयर स्टाइल स्ट्रोक पे जाएं और यहाँ स्ट्रोक लगा दें इनसाइड अंदर, फिर लेयर पे जाएं और पैटर्न कर दें। ये आपका फोटो तैयार हो गया। कंट्रोल अल्ट्रा एस के साथ इसको सेव कर दीजिएगा जहाँ सेव करना है आपको, JPG में सेव करना है और ये आपका सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है फोटो। तो धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगली बार फोटोशॉप के साथ।